और केवल हम यही चाहते हैं, ये जितनी भी विदेशी ताकतें हलीउल्लाह हैं, ये ना तो गुरुद्वारों में घुसें, ना मंदिरों में घुसें, ना भोले भाले हिंदू या किसी भी मजहब के व्यक्ति को बहलाए ना। दोस्तों ये वीडियो तो आपको याद ही होगा, धीरेन्द्र शास्त्री के इस वीडियो को तो आप नहीं भूल सकते क्योंकि ये तो आपने हर जगह देखा होगा, क्योंकि ये वीडियो हुआ भी बहुत वायरल था। मैं आपको बता दूं, अभी आप सोच रहे होंगे कि जो ये मुद्दा है पंजाब में ठंडा पड़ चुका होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अपनी वीडियो में आपको एक चीज बताई थी कि जो पंजाब के कुछ पास्टर्स हैं, जो कुछ वहां के प्रभु में सेवक हैं, वो लोग प्रशासन के पास गए थे और उन्होंने इस बात की मांग की थी कि बागेश्वर धाम वाले बाबा ने हमारी धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचाई है, हमारे पवित्र शब्द हालेलुया शब्द को गलत तरीके से बोला है, उसका मजाक बनाया है, तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उसने मसीहों का भी मजाक बनाया है, धर्मांतरण का गलत आरोप लगाया है, तो पंजाब सरकार उसके खिलाफ एक्शन ले, और अगर एक्शन नहीं लेगी तो हम धरना लगाएंगे, रोड जाम करेंगे। तो ठीक दोस्तों, उन पास्टर ने ऐसा ही किया, इस बात को लेकर के धरना लगा दिया, क्योंकि जो वहां का प्रशासन है उसने कोई भी कार्रवाई नहीं की बागेश्वर धाम वाले बाबा के खिलाफ, मतलब धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ। और मैं आपको बता दूं, जो ये धरना लगाया, इसको लगाया तो सही और वहां पर मीडिया को इंटरव्यू भी दिया, लेकिन वहां की पुलिस इनको सबको उठाकर ले गई, जो ये पास्टर थे। वो पहले मैं आपको वीडियो दिखा देना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं वीडियो पंजाबी में है तो हिंदी में मैं आपको समझा दूंगा, इसलिए आप पहले वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। प्रशासन को पता नहीं है एक बंदा पंजाब दे माहौल खराब करता है, कृष्णा ने की क्या इनू, कृष्णा ने की माड़ा बोलिया इनू, इनू की नौबत आ गई कृष्णा नू बोलने दे वास्ते। कोई इत्थे है सी इशू है गल बोलन दा, तुसी श्री हरिमंदर साहब आए आ, नतमस्तक होए आ, उहदे तुहानू की नौबत पै गई आ कृष्णा नू, हम इसकी गठरी बांध देंगे, गठरी उठा देंगे, इहदी हिम्मत हैगी आ कि पंजाब दे विच आ के साडी गठरी बांध देगा जां साडी गठरी उठा देगा। अज असीं मरन लई वी तैयार हाँ, सानू जेल दा कोई डर नहींगा, सानू परचियां दा कोई डर नहींगा, सानू इंसाफ चाहिदा आ, असीं इंसाफ लैणा आ, सानू इंसाफ चाहिदा आ, और बागेश्वर बाबा ते जिहड़ा इह परचा होना चाहिदा आ उह अरैसट होना चाहिदा, जिन्ना चिर अरैसट ना होया असीं चल ला के कट्टा। अभी आपने इस वीडियो को देखा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो भी ये आपको वीडियो में बोलते हुए दिख रहे हैं, ये पास्टर ऐसा कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जो यहाँ पर पंजाब में करने के लिए आया था, मतलब वो अपनी सभा करने के लिए आया था, वो करके जाता, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो वहाँ पर गोल्डन टेम्पल में भी गया मत्था टेकने के लिए, तो अपना मत्था टेक करके वो चुपचाप चला जाता या अपने बारे में मीडिया में कुछ भी बोलता, लेकिन उसने मसीह लोगों को लेकर के पंजाब में आकर पंजाब के ही मसीहों को, पास्टरों को इस तरीके से बोला कि तुम्हारी गठरी बांध दूंगा, तुम्हें यहाँ से उठा दूंगा, ये बिल्कुल भी सहन योग्य तो नहीं है। वो किस तरीके से पंजाब के पादरियों की ऐसे गठरी उठा देगा, पंजाब के मसीहों की गठरी उठा देगा, और फिर वो यही बात बोलते हैं कि हमने प्रशासन को इस बात की कंप्लेंट की थी, लेकिन प्रशासन ने कोई भी इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, इस वजह से हम रोड जाम कर रहे हैं। और उसके बाद आपने वीडियो में देखा किस तरीके से पुलिस उनको जबरदस्ती बस में बिठा करके ले गई वहां से। अभी आगे तो हमें नहीं पता दोस्तों कि इनके साथ अभी क्या हुआ है, ये बाहर आ गए हैं या नहीं आए हैं, लेकिन इस वीडियो को देख करके आपको ये तो बात समझ में आ जाएगी कि जो धीरेन्द्र शास्त्री पंजाब में बो करके गया है उसको काटना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर वो जब भी पंजाब में आएगा तो उसको ये रोष देखने के लिए मिलेगा। और पंजाब के प्रशासन के लिए भी ये बात बहुत गलत है कि उन्होंने उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया, FIR तक नहीं की, उसके ऊपर कोई तो एक्शन लेना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं लिया, ये बात तो बिल्कुल ठीक नहीं है, जिस वजह से इन पास्टरों को भी प्रोटेस्ट करना पड़ गया। कई लोगों को ऐसा लगता होगा दोस्तों कि ये पास्टर को नहीं करना चाहिए, उनको क्या मतलब है, अगर वो बोल के चला गया तो चला जाए, हमारे परमेश्वर का क्या कुछ बिगड़ेगा, ऐसे तो बहुत आते हैं। बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, इन पास्टरों को ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए था उस बात पर, लेकिन इस बात से धीरेन्द्र शास्त्री को तो हवा मिल जाती और वो जब भी पंजाब में आता तो क्रिश्चियन लोग के खिलाफ बोल कर जाता। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब वो पंजाब में आने की जल्दी हिम्मत नहीं करेगा, और अगर आ गया तो क्रिश्चियन लोगों को लेकर के कभी कोई टिप्पणी नहीं करेगा इनके इस कदम से। बाकी आप इन सब बातों पर क्या सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय को लिख करके बताइएगा। हम अपने चैनल से आपके लिए ऐसी वीडियोस हमेशा लाते रहते हैं, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नए किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की, प्रभु आपको बहुत आशीष दे।